गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में तो हमने ऑलरेडी वो गोल्डन प्ले बटन हमारा अनबॉक्स कर दिया था। हाँ। अभी हम जा रहे बर इसको कुछ काम है एंड देन हम जाएंगे आगे का व्लॉग करने, देखते हैं क्या क्या करेंगे। भैंस की आंख लाइट बंद कर दी, नेचुरल लाइट, सनलाइट इज द बेस्ट लाइट। और ये देखो मम्मी सीधे बैठते हुए हैं। मम्मी फोन पे लगी, किससे बात कर रही है? अरे मम्मी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, सोसाइटी वाली कूल आंटी। हम किधर है, 5 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी, 5:18 तो इधर ही हो गई है। और भाई सबसे पहले फ्यूल पंप जाना पड़ेगा, 0 कब से दिखा रहा, मतलब कल से दिखा रहा, दलवाना ही बोल रहा हूँ मैं बार बार। और लेट होते टाइम ऑब्वियसली लाइन होना तो बनता है। ये भाई साहब कितने का दलवा रहे हैं? बंद करना पड़ेगा, फिर चालू करके काट ऑफ कराएंगे। अरे गाड़ी बंद करने से नहीं होता कुछ, होता है। अरे ऐसे ही हो जाता है अंकिता, देख ले ये लग हो गया। तो चलो अभी 182 किलोमीटर तक कोई टेंशन लोड नहीं। हम पहुंच चुके हैं एनरिच। इफ यू वांट टू शो रिच कम एट एनरिच। बहुत वाहियात प्लान थी मुझे मालूम है। ये देखो अंकिता का अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो हम लोग कॉफी पी रहे हैं। शाम हो चुकी है, हम लोग ने वेट किया बहुत, पर यहाँ पे आज बहुत ज्यादा भीड़ है तो हमने सोचा आज हमारी ही है। हाँ, अपॉइंटमेंट ली पर उस टाइम पे हम पहुंचे नहीं और अभी हम जा रहे हैं। अब बहुत हो गया इंतजार नहीं करना। तो अब हम जा रहे हैं अल्फा वन मॉल, मतलब अहमदाबाद वन मॉल, जहाँ पे लोग समझते हैं कि हम लोग रोज जाते हैं बट हम रोज नहीं जाते। काफी लोग ये बोलते जरूर है कि अगर यार इनको ढूंढना है तो मॉल में चले जाओ, ये वाले या वो वाले में कभी ना कभी तो मिल जाएंगे। जैसे एक सब्सक्राइबर था जो हमको मिले, वो बोले मैं पिछले 12 दिन से मॉल में आ रहा हूँ। आप मिलोगे फाइनली आप मिल गए। अभी मोबाइल शॉप में मैं अकेला जा रहा हूँ केबल लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का केबल किसी से टूट गया था तो गाड़ी का केबल मैंने मम्मी को दे दिया। अब गाड़ी में कोई केबल नहीं है तो गाड़ी के लिए मैं केबल लेने वाला हूँ। एक्चुअली USB-C वाला लेता हूँ ना तो उसे बहुत फटाफट चार्ज होता है आईफोन। चलो केबल ले लिया, फटाफट अब निकलते हैं अभी अहमदाबाद मॉल जाने का। कहाँ खोल, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोली? फूड कोर्ट में गजब वाली भीड़ है, टेबल कैसे मिलेगा वो पता नहीं। अभी अंकिता साउथ इंडियन सोच रही है, मैं पंजाबी सोच रहा हूँ, हमेशा की तरह हमारी चॉइस हमेशा अलग रहती है। मैं सोच रही हूँ कि हीरे ने एक जो कॉम्बो सोचा ना काफी ह्यूज बड़ा है, मुझे लगता है दोनों का हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं ऑर्डर ना करूँ, बाद में डिसाइड करूँ। फाइनली हमारा खाना आ चुका है। मम्मी को मैंने जब बोला ना कि यहाँ पर हम डिनर करके आएंगे, मम्मी बोला मैंने खिचड़ी बनाई है। टेक्निकली आज मैं अंकिता पे नाम डालने वाला हूँ कि इसकी वजह से हमने बाहर खाया, इसको खाना था बारिश में। हाँ तो मैं झूठी बोलने वाला हूँ, बोल तो रहा हूँ, जब तक मम्मी ये वीडियो देखेगी तब तक सब हमें भूल चुकी होगी। तो अभी हम चाइनीज कोरियन जो भी बोलते हैं वो शॉप में गए थे, कोरियन शॉप में गए थे। हाँ अभी चाइनीज बोलूंगा ना तो लोग बोलेंगे कि बॉयकॉट, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा शॉपिंग किया। मतलब कचरा ही उठाते हो एक्चुअली ना, ऐसी जगहों पे वेस्ट चीजें ज्यादा आती है पर सस्ती मिलती है तो सस्ता करके हम ले लेते हैं। हाँ। भाई ये मॉल में आते हैं ना तो पता नहीं उनकी तो ये दुकान में ले आती है, भले काम हो या ना हो, होम सेंटर में राउंड मारना ही मारना है। वो पता है जैसे लेडीज लोगों को सब्जी लेने का मन करता है बार बार खुद उतर के, वैसे इसको यहाँ पे आने का मन करता है। तो हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले अफ्रीका से, हम लोग इसको बहुत देखते हैं, फैमिली में हर कोई देखता है, बहुत मजा आता है। तो यहाँ से ना हमने काफी सारे मग और काफी सारी चीजें ली हैं। अरे फाइनली ये भैया ने उठाया। तो गाइस पहले मैं लेके जा रहा था, इतना वेट था कि थैली पट गई थी, तो दूसरे में चेंज कर रहा हूँ, 2 थैली कर रहा हूँ। मैंने इसको पकड़ा दिया, देखो कैसे चल रही पूरे मॉल में। शूट कर रहा था अंकिता तेरे को, मैंने ना गाइस अभी के लिए ना कूली हायर किया है मॉल में। ये देखो कूली आए कूली। वापस से घर पे आ चुके हैं, अंकिता अपने घर पे बात कर रही फैमिली के साथ, तो वो थोड़े टाइम के बाद आएगी। मैं देख रहा हूँ IPL, क्योंकि निकुंज बैठा हुआ है वो IPL देख रहा है। वैसे IPL मैं बहुत कम देखता हूँ बट या आज देख रहा हूँ, इससे पहले भी एक बार देखी थी। स्कॉट कर रहा था पर अंकिता को अचानक शॉट के नीचे शॉट लगना है, कितना क्यूट है। मैं ये बोल रहा था कि अंकिता का अचानक गोला खाने का मन हुआ है, मैं क्या बोलने देगी। लॉकडाउन हुआ था ना तो 99% लोग ऐसे ही थे, और जब मैं मेरे मेकअप वीडियो करती हूँ ना, तेरा बंद हो जाएगा एक सेकंड, जब मैं मेकअप वीडियो करती हूँ ना तो मैं ऊपर से ऐसी सजी धजी होती, नीचे तो पैजामा या शॉर्ट्स होते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ अंकिता को, मैं डिस्कॉर्ड कर रहा था, अंकिता को अचानक गोला खाने का मन किया जो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो मैंने डिस्कॉर्ड वाले को बोला रुक जाओ मैं आता हूँ थोड़ी देर में, एंड हम गोला खाने जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं शॉर्ट चेंज कर लूंगा, मैं शॉर्ट पहन के नहीं जाऊंगा, अजीब लग रहा है शर्ट और नीचे शॉर्ट। पर मैं पूरे टी-शर्ट में
चल रहे हैं। बात हम लोग दूसरी जगह जाने वाले थे पर हमको फिर याद आया कि हमको बीच में सब्सक्राइबर्स मिले थे जिनका खुद का गोले का एक काउंटर है, तो हम वहाँ पे जाएंगे, उनका सरप्राइज देंगे और गोला खा के देखेंगे कैसा है। एंड गाइस आप में से भी जो लोग हमको मिलते हैं और उनके भी ऐसे कुछ भी फूड जॉइंट है, कोई भी जगह शॉप या कोई भी, तो बता दिया अगर हम आएंगे तो हम पक्का आएंगे। हम लोग तो तरसते रहते हैं, हम लोग तो एक बार सूरत तक ट्रैवल करके गए थे एक वेडिंग अटेंड करने, और हम बहुत सारे सब्सक्राइबर को उनके सिटी में जाके सब्सक्राइबर को सरप्राइज किया है। ठीक है चलो वहाँ पहुँच के बात करता हूँ। चालू है काउंटर सामने ही है, देखो गाइस ये वाला काउंटर है ओम का। हेलो हम स्पेशली गोला खाने के लिए आपके यहाँ, मोस्ट वेलकम, पर एक कंडीशन में पैसे लेने पड़ेंगे तो ही ये कंडीशन है क्या? मैं बोल रहा हूँ देखो पेमेंट लेनी पड़ेगी तो ही नहीं तो मैं नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे हम, नहीं ये हमारा रूल है, फिक्स रूल है, नहीं नहीं इस बार भी लेना पड़ेगा, हम दूसरी बार पक्का आएंगे वरना हमको अच्छा नहीं लगेगा। डन डील अंकिता का एज यूजुअल ऑर्डर ऑरेंज, और ये खाएगी उसके बाद अगर उसको दूसरा पर खाना होगा तो ये काला खट्टा है और ऑरेंज लेगी, है ना? आपने तो सरप्राइज दे रिकॉर्ड जाता हूँ। स्माइल बहुत क्यूट है और ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अल्टीमेट है। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे ना, यही बात कर रहे थे। देखो अंकिता शुरू भी हो गई। कैसा लगा बता? बहुत मस्त है ना। एकलव्य स्पोर्ट्स क्लब के एग्जैक्ट बाहर है। आप कितने बजे से कितने बजे तक होते हो? 12 अच्छा अच्छा मतलब अभी 8 से 12 है, बाद में 6:30 से 12 हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मतलब वीडियो में मत आया कर, तो रियल में अच्छी लगती है। पहले भी अभी मेरे साथ बहुत गंदा वाला सीन हो गया, मैं वीडियो के चक्कर में इसलिए मैं वीडियो कर रहा था और चक्कर में इसलिए हेल्प करने का बोला भी नहीं, और मैं रखा था सारा फ्लेवर मेरे ऊपर आ गया, मतलब मैंने नहा लिया, मैं प्रॉपरली ऐसे बोल सकता हूँ गोले में। अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। इनसे भी मिलवा दूँ, मिनी ब्लॉग में तो मैंने इनको ऐड किया था। ये इनके ब्रदर हैं और ये इनकी मदर है। इंट्रो नहीं दिया तो मैं दे दूं। मजा आ गई यहाँ पे बैठने में, और अगली बार गुलाम यही पे खाने आएंगे। यस मैं तो रिकमेंड कर रही हूं यहाँ पे आना चाहिए, बहुत अच्छा। प्रमोशन नहीं करना है, क्यों ना करूं, मैं तो करूंगी जो अच्छा चीज हो अच्छा चीज। तो मैंने वही बोला। अच्छा चल बोल, 3 2 1 स्टार्ट। ऐसा नहीं होता है, नहीं स्टार्ट ऐसा नहीं होता है। चलो गाइस आगे, हम अभी जा रहा हूँ घर, अभी बहुत सारे काम भी बचा है। इनके साथ बैठ के बात करने में जो मजा आई ना, ऐसा ही लग रहा था जैसे बहुत पुराने दोस्त या फैमिली मेंबर्स हो ना, जिनके साथ बैठ के बात कर रहे हो। चलो अभी यार निकलते हैं, इनको वापस काम करना है, बहुत सारा काम धंधे पे लगते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलो सीओडी चालू करते हैं। बस एक मिनट में हार रहा, ये देखो मैं बाहर जाके आया, ये लोग कोई और गेम खेल रहे हैं, अभी मैं इनसे गेम बंद करवा के दूसरी गेम चालू करवाऊंगा। अरे आपको पता नहीं इससे पहले क्या क्या हुआ? इससे पहले क्या क्या हुआ मुझे जानना ही नहीं अथर्व। अभी मैं अपना काम शाम करके बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि अंकिता कब खड़ी होगी, क्योंकि अंकिता देख रही है मूवी। कौन सी है? मर्डर मिस्ट्री 2। और बट मुझे था ना मर्डर मिस्ट्री में फनी ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉमेडी है। अभी ये सब इंडियन सेटअप में चल रहा है। कभी कभी अंकिता ऐसे सब कंटेंट देखते हैं तो मन करता है मैं भी देखूं, पर फिर याद आता है हेलो 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 काम है, टाइम नहीं है। हेलो गाइस, नींद आ रही है मेरे को तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अंकिता देखेगी अपना मूवी होगी, पता नहीं कब सोएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।